दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस रजिस्ट्रेशन नंबर से किस तरीके से आप चेक करोगे। तो सबसे पहले जाना होगा आपको जो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इंटरफेस वेबसाइट का देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर एक बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। और बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो पेमेंट स्टेटस दोस्तों इसका अपडेट हो गया है, इसका जो पेज है पूरी तरीके से अपडेट हो गया है। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मोबाइल नंबर से किस तरीके से चेक करोगे आप, तो वो वीडियो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। और आपको मैं बताऊंगा आज रजिस्ट्रेशन नंबर से आप किस तरीके से चेक कर पाएंगे अपना स्टेटस। तो दोस्तों हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को इसमें फिल कर दिया है इस वाले ऑप्शन में, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है तो इस आई वाले बटन पर देखना होगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कैप्चा कोड को, क्योंकि कैप्चा कोड कई बार क्या है, सारे व्यक्ति इस वाले कैप्चा कोड को इसमें फिल कर देते हैं और ये गेट डाटा पर क्लिक कर देते हैं, तो आपका जो कैप्चा कोड है एरर बता देता है। यानी यही बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं कैप्चा कोड ऐड करने में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैप्चा कोड किस तरीके से भरेंगे, उस वीडियो को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक उसका। और आज मैं फिर दोबारा से आपको दोहरा देता हूँ कि कैप्चा कोड को आपको फिर से किस तरीके से आपको फिल करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये कैप्चा कोड आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये कैप्चा कोड इस पर आपको क्लिक करना होगा, थोड़ी देर दबा के रखना होगा। दबा के रखने के बाद ऑटोमेटिक आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, या दोस्तों आपके सामने या न्यू टैब के लिए ऑप्शन खुलेगा आपके मोबाइल में, या फोन मोबाइल से कर रहे होंगे आप, ठीक है ना दोस्तों। कंप्यूटर से कर रहे हो तो आपको राइट क्लिक करके ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर अगर मोबाइल से करते हैं या प्रीव्यू इमेज के लिए आप बोलेगा, तो सबसे पहले आपको यही करना होगा, प्रीव्यू इमेज पर आपको जाना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने ये कैप्चा कोड है वो देखने को मिल जाएगा, ये वाला। इस कैप्चा कोड को आपको नोट करना होगा, एक कॉपी पर नोट करना होगा, ओके। तो जैसे स्मॉल में है तो स्मॉल में चेक नोट कर लेना होगा, जैसे कि आपको कैप्चा कोड इसमें फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको इस कैप्चा कोड को लिख लिया, और उसके बाद दोस्तों आपको इस इनटू वाले चिन्ह से हटा देना होगा, फिर इस कैप्चा कोड में फिल करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों हमने वही चीज़ ऐड की है जो अभी हमने जो प्रीव्यू करके कैप्चा कोड से हमने जो कैप्चा कोड लिया था, और उसके बाद गेट डिटेल पे क्लिक कर देंगे। गेट डेटा पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन खुलकर आ गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बिल्कुल मैंने लाइव करके दिखा रहा हूँ, आपका स्टेटस है वो चेक करके देख सकते हो कितनी आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई हैं और कितनी अभी आना बाकी हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी ऑल कर लेना, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।